पंचतत्व में विलीन हुए सुशांत सिंह राजपूत पीछे छोड़ गए कई सवाल। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है और अब यह सितारा हमसे बहुत दूर जा चुका है। उन्हें अंतिम विदाई देते हुए उनके पिताजी और बहनें फफक कर रो पड़ी। उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए उनके परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज भी वहां मौजूद थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, कृति सेनन, विवेक ओबरॉय जैसे सितारे शामिल थे। विले पार्ले के सेवा समाज शमशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम विदाई के दौरान बारिश भी तेज हो गई, मानो प्रकृति भी अपना आंसू बहा रही हो। चारों तरफ काले घने बादल और वहां आसपास फैंस की भीड़ भी खूब उमड़ी नजर आई। बारिश के कारण शमशान के बाहर सड़क पर काफी जाम लग चुका था। तेज बारिश की वजह से पुलिस छाता लेकर मौके पर तैनात है और वहां पहले से मौजूद दो गाड़ियों के अलावा पुलिस की दो और गाड़ियां आ गई। अपने इस चहेते कलाकार को अंतिम विदाई देने के लिए टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकार भी शमशान पहुंचे। वहां अर्जुन बिजलानी भी शमशान के भीतर मौजूद थे। बताया गया था कि अंतिम संस्कार के बाद सुशांत के पिता और परिजन मीडिया से बात करेंगे। अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर के साथ रिया, सुशांत के पिता और चचेरे भाई तीनों शमशान पहुंचे थे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि कोरोना की वजह से केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी। हालांकि अंदर जहां प्रक्रिया हो रही थी वहां सिर्फ 20 लोगों को इजाजत थी। सुशांत के कई दोस्त भी इस दुख की घड़ी में शमशान के बाहर मौजूद थे, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सुशांत के पिता केके सिंह एयरपोर्ट से सीधे बांद्रा में अपने बेटे के घर पहुंचे थे, वही घर जिसकी हर दीवार अब उनके लाडले की मौत की गवाह बन चुकी है। बांद्रा में सुशांत सिंह के घर पर भी लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी थी। उनके रिश्तेदार और करीबी शमशान पहुंचने से पहले घर पर ही इकट्ठे हुए थे। घर में इतने लोगों के मौजूद होने के बावजूद हर तरफ केवल खामोशी छा गई थी। सुशांत के सबसे खास दोस्त रिया चक्रवर्ती भी शमशान पहुंची। यहां बता दें कि इस आत्महत्या मामले में पुलिस रिया का बयान भी दर्ज करने वाली है। इस घटना के बीच शेखर कपूर ने एक ट्वीट की थी जिसने सनसनी मचा दी थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मुझे पता है कि आपने ऐसा क्यों किया। शेखर ने लिखा है कि यह उन लोगों के कर्मों का फल है। उन्होंने यह भी लिखा है कि काश तुम मुझसे बात कर पाते। संभव है कि पुलिस इस मामले में शेखर कपूर से भी पूछताछ करेगी। मौत से पहले वाली रात सुशांत ने इन्हें किया था फोन। सुशांत की मौत के मामले में पुलिस उनके दोस्त महेश शेट्टी और रिया चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज करने की तैयारी में है। उनके अलावा कुछ अन्य दोस्तों के बयान भी दर्ज होंगे। बताया गया है कि मौत से ठीक एक रात पहले सुशांत ने महेश और रिया को फोन किया था। सुशांत ने बहन से कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन से भी पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि भाई ने दवा लेना बंद कर दिया था। बहन ने बताया कि 4-5 दिन पहले ही उनके भाई से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि उनके तबीयत ठीक नहीं है। फॉरेंसिक टीम पहुंची थी सुशांत के घर। पुलिस मामले की पड़ताल में तेजी से जुट गई है। बांद्रा स्थित सुशांत के घर पर पुलिस की टीम पहुंची थी। मामले में सबूत जुटाने उनके घर पहुंची थी 3 सदस्य फॉरेंसिक टीम। पुलिस की जांच में मोबाइल फोन सबसे अहम सबूत माना जा रहा है। डॉक्टरों ने पुलिस को सौंपी सुशांत की रिपोर्ट। डॉक्टरों की तरफ से बांद्रा पुलिस स्टेशन को सुशांत सिंह राजपूत की प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। 3 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर उनका पोस्टमार्टम किया है। इस पोस्टमार्टम में बताया गया कि फांसी पर लटकने के बाद दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।